अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इरसाम फैमिली व्लॉग। और आज है संडे टाइम, तो आज है संडे और आपको पता है संडे को जो है नाश्ता वगैरह या खाना हम बाहर ही खाते हैं, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर मुझे घर का ही पसंद आता है। तो अभी फ़िलहाल चल रहा है बाहर का ही नाश्ता खाना ये सब। और एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम जा रहे हैं विंटरलैंड। मैं उस वक्त भी बताना आपको भूल गई थी और इस वीडियो में ही बताना भूल गई, तो मैंने कहा अब लाजमी आप लोगों को बता देना, वरना आप वीडियो देख के बोलेंगे इन्होंने तो कहा था कि विंटरलैंड जा रहे हैं और गई हैं ये पीएफ म्यूज़ियम। तो हम जा रहे थे विंटरलैंड ही, किसी ने कहा था अभी लगा हुआ है, लेकिन उनकी गलत फहमी थी या हमारी गलत फहमी थी, अल्लाह बेहतर जाने। खैर, हम जब वहाँ गए तो वहाँ विंटरलैंड नहीं लगा हुआ था। विंटरलैंड जो है अभी फ़िलहाल लाहौर में लगा हुआ है, वहाँ तो हम नहीं जा सकते। इंशाल्लाह कराची में जब भी लगेगा तो हम ज़रूर जाएंगे। तो आज है संडे टाइम, हमारा नाश्ता आया है बाहर से, तो हम अपना करने जा रहे हैं नाश्ता, मतलब इरसाम के पापा और मैं, तो हम हो गए। तो यहाँ मैंने मंगाया था बाहर से पराठा, तो यहाँ है बाहर का पराठा और मैंने बनाया था कल, मतलब कि हफ्ते वाले दिन जो है मैंने बनाया था। इसमें आलू गोश्त का सालन और ये है चाय। तो ये मेरा बेटा जो ग्लास दिखा रहा है, बोल रहा है इसमें मैं पानी पीऊँगा। तो यहाँ हम अपना कर रहे हैं नाश्ता, संडे टाइम है, आपने वीडियो हमारी देखनी है, वॉच करनी है, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा अगर सब्सक्राइब करेंगे तो, क्योंकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप हमारी वीडियो देखते रहें। तो यहाँ मैं सुबह के बाद डायरेक्ट जो है मैं रात में जो वीडियो बना रही थी, ये रात की वीडियो है। यहाँ हम डिनर करने जा रहे हैं, न्यू रेस्टोरेंट है, यहाँ हम फर्स्ट टाइम आए हैं, तो देखते हैं यहाँ का खाना अच्छा है या नहीं। तो हम जा रहे हैं ऊपर फैमिली वाले पोर्शन पे जा रहे हैं, तो हम अभी ऊपर जा रहे हैं, वहाँ जाके हम बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने कर देना है ऑर्डर अपने खाने की। तो यहाँ जो है ये इस तरह का जो है लगा हुआ था, सेटअप बना हुआ था। तो यहाँ हमने अपना ऑर्डर किया था, चपली कबाब है, चटनी है, रायता है और चपाती हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था। तो यहाँ इरसाम ने तो बस थोड़ी बहुत खा लेनी है, बाकी हम दोनों ने ही खाना है। लेकिन यहाँ जो है हम लोगों ने कम ही लिया था, लेकिन फिर भी हमारा जो है डिनर जो बच गया था थोड़ा सा, जो पार्सल जो हमने करवा लिया था। तो यहाँ हमारा जब खाना बच जाएगा तो हमने पार्सल करवा लेना है। यहाँ हम आए थे पहली दफ़ा, ये न्यू रेस्टोरेंट है, वरना ऐसे तो हम बहुत सारी जगह मतलब गए हैं, लेकिन यहाँ का जो है, जो अगर मैं सच बताऊँ तो यहाँ का खाना हमें पसंद बिल्कुल भी नहीं आया है, क्योंकि मैंने जो है काफ़ी रेस्टोरेंट के मतलब खाने हम लोगों ने खाए हैं, तो वहाँ की बनिस्बत यहाँ के जो है चपली कबाब वगैरह जो भी हमने ऑर्डर किया था हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो यहाँ हमने खाने के बाद मंगवा लिया था, चाय मेरे लिए है और बाकी स्ट्रिंग ये इरसाम के बाबा के हैं। तो मैं यहाँ का नाम नहीं बताऊँगी क्योंकि इनकी रोज़ी रोटी है। तो फ़िलहाल आप अगर गए तो ट्राई कर लीजिएगा, क्या पता हमने जो ऑर्डर किया वो हम वो चीज़ मतलब उनके लिए अच्छा ना बना हो, हमारे लिए बाकी सारी चीज़ें अच्छी हों। तो खैर, यहाँ पे हमने खाना जो है फिनिश कर लिया था अपना और यहाँ से हम जा रहे हैं अब वापस घर। तो ये हमारा संडे टाइम, अगर आपको संडे टाइम हमारा पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ हम जा रहे हैं घर वापस जी गाइस। तो ये है बाहर का रेस्टोरेंट के बाहर का जो है, यहाँ पे जो है कुक होते हैं सारे डिशेस वगैरह, यहाँ पे बाहर जो है जेंट्स वगैरह बैठते हैं, तो बहुत ही अच्छा सा माहौल है अंदर भी और बाहर भी, तो बैठने के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमें यहाँ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। तो यहाँ आ रहे हैं हम लोग घर, तो यहाँ हमारी होती है बाइक स्टार्ट और स्टार्ट करने के बाद हम रिटर्न आ रहे हैं और फिर हम लोग रुकेंगे एक और जगह। तो बिल्कुल वीडियो भी स्किप नहीं करनी है, आपने पूरी वॉच करनी है। देखिए हम लोग जाते हैं कहाँ, तो जी आ गए हैं हम लोग मैंगो लेने। दिख रहा है ना यहाँ पे यमी यमी सा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही रसीला आम था ये, माशाल्लाह से हम लोगों ने जो ख़रीदा था। तो यहाँ पे देख के ही मुंह में आप लोगों के पानी आ रहा होगा ना। तो यहाँ हमारे भी जो है मुंह में देख के पानी आ रहा है, तो बहुत ही मज़ेदार आम था यहाँ। तो हम लोगों ने यहाँ से जो है आम लिया था, क्योंकि आम के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। इरसाम और इरसाम के बाबा को तो दिन और रात सोते उठते बैठते जागते बस आम और आम ही चाहिए होता है, क्योंकि इन लोगों का आम के बगैर गुजारा नहीं है, नाश्ता इन लोगों का आम के बगैर नहीं गुजरता है।
तो ये है हमारी व्लॉग, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यार से कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे नेक्स्ट रूटीन के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।